नमस्कार दोस्तों, टाल हनान 50 साल के हैं, फॉर्मर इजरायली स्पेशल फोर्सेज ऑपरेटिव हैं और उनका स्यूडो नाम है जोर्ग। तो क्या काम करते हैं टाल हनान? इस विश्व के 30 प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान जो हैं, बड़े मीडिया संस्थान, उनके पत्रकारों का एक कंसोर्टियम है। पत्रकारों के उस कंसोर्टियम ने बहुत बड़ा खुलासा किया है कि टीम जोर्ग इस विश्व में मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज फैलाने की फैक्ट्री बन चुकी है और हम और आप लोग इस फैक्ट्री के शिकार हो चुके हैं। टीम जोर्ग ने स्वीकार किया है कि वो अब तक विश्व के 30 इलेक्शंस को प्रभावित कर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि जहां हमने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है, जहां फेक सोशल मीडिया कैंपेन चलाए हैं, उन देशों में है इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, सेनेगल, भारत, जर्मनी, मेक्सिको, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। जब पत्रकारों का एक कंसोर्टियम एक क्लाइंट के रूप में टीम जोर्ग से मिला तो उन्होंने कहा कि हम बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं और हमारे ये सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर और सॉल्यूशन इंडिविजुअल्स को भी उपलब्ध करवाते हैं, हम विभिन्न संस्थानों को भी उपलब्ध करवाते हैं और सरकारों को भी उपलब्ध करवाते हैं। टीम जोर्ग ने एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वर्जन डेवलप किया है जिसका नाम है AIMS एडवांस इम्पैक्ट मीडिया सॉल्यूशंस। टीम जोर्ग का काम है सरकारों के लिए, विभिन्न संस्थाओं के लिए या वेरियस इंडिविजुअल्स के लिए ऐसे फेक कैंपेन चलाना, ऐसे फेक सोशल मीडिया कैंपेन चलाना ताकि लोगों के दिमाग पर उस फेक न्यूज का इम्पैक्ट हो और वो उस फेक न्यूज को सच मान बैठे। टीम जोर हैकिंग करने में सक्षम है, या आपका ईमेल हैक कर सकती है, या आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक करने में सक्षम है। ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का एक बहुत बड़ा संस्थान बनकर सामने आया है। आप जो सूचना पढ़ रहे हैं, हो सकता है किसी नाम के माध्यम से वो आपके समक्ष परोसी जा रही है, लेकिन टीम जोर्ग ने माना है कि उन्होंने ऐसे बहुत सारे बोट्स तैयार कर रखे हैं, यानी वो व्यक्ति नहीं है। उनके अकाउंट, चाहे वो टेलीग्राम पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे ट्विटर पे हो, वो इंडिविजुअल ना होके एक मशीन है और वो इस प्रकार से इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हैं। आपको लगता है कि वो इंडिविजुअल आपको कुछ बता रहा है, समझा रहा है। इसलिए सोशल मीडिया पर आने वाली जो सूचनाएं हैं उनके प्रति सतर्क रहने की जरूरत है। अगर आप टीम जोर्ग के बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाना चाहते हैं तो आप द गार्डियन न्यूज़पेपर के यूट्यूब चैनल को अवश्य सर्च करना और उसमें सर्च करना टाल हनान या टीम जोर्ग। द गार्डियन के रिपोर्टर हमें अंतिम चेतावनी देते हैं, वो कहते हैं कि किसी भी सूचना पर आंख मूंद कर भरोसा करना बहुत ही घातक। द गार्डियन ये भी चेतावनी देता है कि जब भी आप अपना वोट कास्ट करने जाएं, तो एक बार रुक कर अवश्य सोचें कि कहीं मैं किसी मिस इन्फॉर्मेशन के कारण या फेक न्यूज पर विश्वास करने के कारण तो अपना मतदान व्यवहार चेंज नहीं कर रहा। इसलिए फेक न्यूज से सावधान रहने की जरूरत है। गलत और भ्रामक तथ्य, फेक न्यूज आपका और हमारा और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बर्बाद कर सकती हैं। इसलिए सावधानी रखिए सोशल मीडिया के यूज में, ऑथेंटिक सोर्सेज तक पहुंचिए, अन्यथा आप भी गलत रास्ते का शिकार हो सकते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।